तो आज का यार प्लान ये है कि अभी जो है कल्टस के रिम देखने जाना है हमने, क्योंकि कल्टस में जो है स्टॉक रिम्स हैं, 22 मॉडल कल्टस थी, मैंने अपने चेहरे पे दिखाई नहीं है, उसमें स्टॉक रिम्स हैं, हमें नए रिम्स लेने हैं। बाकी मेहरान का भी एक रिम लेना था, वो शॉप पे पड़ा हुआ है काफ़ी दिन से। तो अभी जो है मैं घर आ गया था, पूरा ब्लॉग मैंने बना लिया है, बट जो है मेरा जो इंट्रो था वो इतना अच्छा नहीं बना था, तो आई थॉट कि इंट्रो दोबारा बना दूंगा। तो आज के ब्लॉग में जो है कल्टस की रेम हम लोग देखने जाएंगे, तो आगे ब्लॉग देखें। बाकी जो है इंशाल्लाह आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो चलो चल के रिम वगैरह देखते हैं और देखते हैं क्या प्राइसेस वगैरह है रिम्स की। अभी जो है ज़्यादातर इसमें काम नहीं हुआ है, बॉडीकट्स वगैरह लगी हैं, स्पॉयलर लगा है, छत काली हुई है, बट अभी काफ़ी चीज़ें से बात किया है, कहीं ऐसे ग्रेन रह गए हैं। जब एक जगह गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आप लोगों को पूरी गाड़ी की वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे जो है आर एक्स का काम चल रहा है, इसमें कोई रिम टायर का काम था। बाकी जो है अभी रिम पसंद करते हैं, कौन से रिम पसंद आएंगे फिर उसमें चढ़ा के देखेंगे कि कौन से रिम पसंद आते हैं, फिर उसको इंशाल्लाह लेके जाएंगे। ये रिम पसंद आया है, अभी गाड़ी पे लिए है, वाइट कलर का ही है और गाड़ी भी वाइट कलर में है, और उसके साथ जो है अभी टायर चढ़वाएंगे इस पर, फिर देखते हैं गाड़ी क्या लुक निकल के आती है। ये जो है वही शॉप है जहाँ से हम लोगों ने मेहरान के रिम लिए थे, और अब जो है कल्टस की बारी है, काफ़ी अच्छे रिम हैं इनके पास, अभी एक पसंद आए हैं तो उसको अभी चढ़वा के देखेंगे। बाकी ये जो है ये सारे जो हैं बड़े रिम हैं, तो डेफिनेटली कल्टस में नहीं लग सकते ये। बाकी ये जो है अगर अभी विजिल होती तो उसमें हम ये सारे ऑप्शन हमारे पास होते, बट अभी जो है कल्टस के लिए दूसरे रिम पसंद आए। 15 इंच डलवा रहे हैं और जो है 14 इंच जो है फैक्ट्री से आता है, 1 इंच बड़ा डलवाएंगे, थोड़ा ऑफसेट भी आ जाएगा उसका, तो कि आई होप जो कि अच्छे लगेंगे। बाकी टायर्स में जो है स्लिक्स देख रहे हैं, रोटेशन वाला टायर देखेंगे, अभी देखते हैं कि अगर वो बंदा फ्री हो जाए, असल में गाड़ी पे लगा होता है वो, तो उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कौन से रिम्स पे हम फाइनल करेंगे। इधर भी थोड़े से ऑप्शन हैं, इधर भी हैं, बट ये वाले जो हैं ये नए हैं, बाकी इस साइड भी रखे हैं पुराने, बट हमें जो है वही वाले पसंद आए थे, तो अभी उसी का वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर देख कर क्या। ये जो है एक मेहरान का टायर फट गया था, तो हमें जो है यहाँ पे दिया हुआ था कि इस पर जो है टायर चढ़ाते हैं। दूसरा टायर है, रिम वही है पुराना वाला, 165/55/14 स्ट्रेच टायर, ऐसे का देख सकते हैं। टायर बेसिकली होता ये है कि जब रिम बड़ा होता है और टायर पतला होता है तो उसको स्ट्रेच करके चढ़ाते हैं, जो कि जो है उसके बाद काफ़ी ऐसी लुक आ जाती है टायर में। अभी जो है ये वाला रिम इस टायर पे चढ़ाएंगे, सब देख सकते हैं इसकी विड्थ कम है बट इसकी विड्थ ज़्यादा है, और जो है इसी को जो है स्ट्रेच टायर बोलते हैं। ये जो है टायर चलेगा और जो है फिर चढ़ेगा, उसी के बाद लुक आएगी गाड़ी की। ये देख सकते हैं टायर काफ़ी चौड़ा है, बट एज़ कम्पेयर टू दिस वन ये टायर काफ़ी पतला है। इसका जो है इतना ऑफ साइड भी नहीं आ रहा, तो अब देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। इस लिप में आई डोंट नो मज़ा क्यों नहीं आ रहा, या गाड़ी लो नहीं हुई भी इस वजह से, या इसका आप देख सकते हैं कि इतना ऑफ साइड भी नहीं आ रहा है, अगर साइड से देखें तो बहुत कम ऑफ साइड है, इसकी वजह से आई डोंट नो मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या करते हैं इसका, अगर यही पसंद आ गया यही ले लेंगे, वरना कोई और देखेंगे। अगर आप देखें तो स्टॉक में तो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द न्यूअर वन, बट फिर भी इसमें इतना ऑफ साइड नहीं आ रहा, तो मज़ा नहीं आ रहा यार। इस
मतलब बीच का स्पॉकेट जो है वो तो चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये होंडा पे गाड़ी शुरू की है तो उसका तो मसला नहीं है, बट इसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा तो बॉयज मैं जो हूँ घर आ गया था एंड फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि अभी जो है हम लोग वील लुक फॉर सम अदर ऑप्शन एज वेल, देन वील डिसाइड कि हमें कौन से रिम्स लगवाने हैं गाड़ी में। बाकी इंशाल्लाह कंटेस्ट पे जो है एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर में आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस मंथ में इंशाल्लाह अगस्त के मंथ में मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैंने सोची हुई हैं, आई होप वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। और जो है बाकी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना। तो चलो आई होप आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो अब बिग थम्स अप मिलेंगे ऐसे किसी ने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज। Yeah.